क्लास टेंथ। एक है ना नीचे वाले। साइंस चैप्टर, क्लास टेंथ साइंस चैप्टर टेंथ, सेकंड क्लास आज इस चैप्टर की, सेकंड क्लास। हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़ा था, तो एक बार दोबारा उन्हें बना लेते हैं। ये छोटा छोटा बना के मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कनकेव मिरर था, मिरर के सेंटर को पोल कहा था, और ये अगर एक स्फेयर टाइप हम एज्यूम कर लें तो इसके सेंटर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी का नाम दिया। एक इमेजिनरी लाइन दोनों को क्रॉस करते हुए जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने कल डिस्कस किया था। ऐसे ही कन्वेक्स को अगर हम बनाएं तो ये कन्वेक्स मिरर हमने रफ फिगर बना लिया, इसमें भी हम ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। ये आपका पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इसका सेंटर राइट साइड में, कनकेव का सेंटर लेफ्ट साइड। नाम लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे, कनकेव और कॉन्वेक्स। एक रूल है बेटा, पैरेलल लाइट कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइट बीम आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट बीम आएगी तो वो जब मिरर से टकराएगी तो वापस जाते हुए, हाँ देखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा के जब वो जिस पॉइंट से पास होती है उसे एफ कहते हैं। देखना बेटा, कोई भी अगर रे, ये मैंने रे दिखाई है, ये लाइट रे है, तो ये लाइट रे जब मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट से टकराएगी उसे एफ का नाम देंगे। जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे इसी पॉइंट से पास होकर जाएंगी और इस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो अब यहां जो हम नई चीज समझेंगे वो प्रिंसिपल फोकस समझेंगे। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इन ए कनकेव मिरर, इन ए कनकेव मिरर व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट After reflecting by mirror, या simple लिखो, a parallel beam of light after reflecting by mirror passes through a point on principal axis. This point is called principal focus, represented by F, capital F. कन्वेक्स में क्या लिखेंगे, the parallel beam of light after reflecting by a convex mirror appear to come from a point. This point is called principal focus of convex mirror. ध्यान से समझने की कोशिश करना,
इसमें तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे आके मिलेंगी और क्रॉस कर जाएंगी, इसमें क्या होगा पैरेलल बीम आई और ऐसे टकरा के बाहर की तरफ जाएगी, यहां भी पैरेलल बीम आई टकरा के वापस जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है ना। तो ये वापस अगर हम एज्यूम करें कि ये कहां से आई थी तो ऐसा लगेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां से ये आ रही है और इसी पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल बीम या ऑल पैरेलल बीम या बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस, दूसरी डेफिनेशन कैसे कहेंगे इसे ध्यान से देखना। प्रिंसिपल फोकस इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस, मिलने को कहते हैं कन्वर्जेस और अपियर टू डाइवर्स इन अ कन्वेक्स मिरर, कन्वर्जेस इन कनकेव मिरर और अपियर टू डाइवर्स इन अ कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। दोनों की डेफिनेशन हम इस तरह से एक साथ में लिख सकते हैं। ए बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर कन्वर्जेस इन द कन्वेक्टिव मिरर और अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट इन अ कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अगर प्रिंसिपल फोकस समझ में आ जाए तो फिर आपका नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इट इज स्मॉल एफ से इसे डिनोट करते हैं बेटा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये हाफ होता है। तो पहला फॉर्मूला F इक्वल टू आर बाय टू, ये पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का F इज इक्वल टू आर बाय टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, ये मिरर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, बीच में F है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो F और P, P F के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ F कहेंगे, C और F के बीच के डिस्टेंस को R रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, F इज R बाय टू, ये इनका रिलेशन है, ध्यान रह जाएगा। देखना ये कौन सा मिरर बनाया हुआ है, डायग्राम देख के पता लगेगा कनकेव मिरर, और ये कौन सा है कन्वेक्स। कनकेव में सारी पैरेलल बीम आके एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, मिलने को कहते हैं कन्वर्ज होना, मिलने पे क्या, मिलने को क्या कहेंगे कन्वर्ज होना, इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। इसी तरह से कन्वेक्स मिरर सारी बीम को फैला देता है, दूर दूर फैला देता है, इसको कहते हैं डाइवर्ज होना। तो कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो दोनों के जो कॉमन नेम है वो भी याद रखना, आपकी बुक में इधर लिखा होगा पैरेलल बीम प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यहां तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने अभी तुम्हें लिखवाई थी, ये लिखी हुई है प्रिंसिपल फोकस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एफ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिख दी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, जैसे यहां पे ये कन्वेक्स मिरर की लिख दी है नंबर ऑफ पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर और ऊपर ऐसी कन्वेक्स, तो दोनों के इस पेज पे डेफिनेशन आ गई है किसकी प्रिंसिपल फोकस की और फोकल लेंथ की। नेक्स्ट पेज पे ये फॉर्मूला दे रखा है आर इज इक्वल टू टू एफ, यानी एफ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो अभी हमने लिखा था। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाई मिडवे पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में फोकस है। ऊपर क्या दे रखा है, एक है आपके पास एक और डेफिनेशन एपरेचर, एपरेचर
एपरेचर किसे कहेंगे, यहां से मार्क करना था डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपरेचर। जैसे कि मैं डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं, यहां ये डायग्राम है, ये आपका मिरर हो गया, जितना मिरर है उसके ऊपर और नीचे वाले पॉइंट को इमेजिनरी लाइन से अगर ज्वाइन कर दें तो ये एम और एन, ये जो पॉइंट है एम एन, इसके लेंथ को हम एपरेचर कहेंगे, इसे डायमीटर कहते हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उस पूरे स्फेयर का नहीं, जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी का डायमीटर है ये एपरेचर। तो दो नाम हमने अभी पीछे पढ़े, कन्वर्जिंग मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जिंग मिरर लिख लो साइड में, और डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो ये दोनों नाम याद रहेंगे, क्यों, कन्वर्जिंग वो जो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे, डाइवर्जिंग वो जो फैला दे। डायग्राम से ये जो पैरेलल बीम है टकरा के अगर किसी एक पॉइंट पे मिलेगी तो ये कन्वर्जिंग है, तो ये कौन सा है कन्वर्जिंग, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर पैरेलल आएगी और वैसे चली जाएगी, पैरेलल आएगी ऐसे फैल जाएगी, तो ये कन्वेक्स मिरर जो हो गया वो आपका हो गया डाइवर्जिंग मिरर। एक नंबर में ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग मिरर के नाम, क्लियर है। इस पेज पे ये ऊपर एक टेबल है, ये बाद में करवाएंगे क्योंकि टेबल यहाँ इन्होंने वैसे ही गलती से दे रखी है, नेक्स्ट पेज पे ये टेबल होनी चाहिए थी। इसके नीचे है इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर है उनसे जब हम इमेज बनाएंगे तो कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो रूल आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहला रूल ये है आपका, फर्स्ट रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स है, बार बार हम बना रहे हैं कि अगर कोई पैरेलल रे कनकेव मिरर की तरफ आती है तो टकरा के कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। तो पहला रूल यही है, मैं शॉर्ट में यहां लिखवा रहा हूं इसके नीचे, पैरेलल आई और टकरा के फोकस से गई, पहला रूल यही है। कोई लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस इन अ कनकेव मिरर और इन कन्वेक्स इट अपीयर टू पासेस थ्रू फोकस, इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा पैरेलल आई रिफ्लेक्ट होके चली गई तो ऐसा लगेगा फोकल लेंथ जो है फोकस पॉइंट है उससे ये जा रही है वापस, पैरेलल आई और ये चली गई, बार बार हमने जो डायग्राम बनाए वही दे रखे हैं, देखना थ्योरी में लिखा हुआ है, ये लिखना भी पड़ेगा आपको। अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, पैरेलल दो चीजें इसमें याद रखने, पैरेलल और पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में जो पढ़ा था वही यहां पे दे रखा है, ये रूल है, इसको याद रखना फर्स्ट रूल आपका। देखो सेकंड रूल जो है, सेकंड रूल इज जस्ट अपोजिट टू फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल था पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, सेकंड रूल कहता है अगर फोकस से आई तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन अ कनकेव मिरर एंड इफ अ लाइट रे कम टुवर्ड द फोकस, अगर फोकस की तरफ आती है, ये सेकंड डायग्राम फोकस की तरफ आती है तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, बिल्कुल फर्स्ट वाले का अपोजिट है। फोकस देखो, फोकस से होते हुए आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन अ कनकेव मिरर एंड इन कन्वेक्स इफ अ लाइट रे कम टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेकंड रूल है, क्लियर है ये भी। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, कहते हैं अगर सी से कोई लाइट आई सी से तो वो टकराने के बाद सी से ही वापस चली जाएगी, सी से होते हुए आ रही है, देखो सी से होते हुए लाइट आई सी को क्रॉस करते हुए मिरर पे आई और इसी रास्ते वो वापस चली जाएगी जिस रास्ते आई थी, किसमें, कनकेव में, कन्वेक्स में टुवर्ड सी, टुवर्ड सी इट रिफ्लेक्ट अपोजिट टू द सी। अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अ कन्वेक्स मिरर
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी रास्ते वापस चले जाएगी। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन एक्स फिगर, द लाइट रे कम बैक अलोंग द सेम पाथ, क्यों, वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वाई उसी रास्ते वापस क्यों चली जाती है? बिकॉज इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मल, नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ये समझने वाली बात है बेटा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, तुमने टेंथ में या उससे पहले नाइन्थ में एट्थ में मैथ में किया होगा कि ये सर्कल है, सर्कल पे सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, वहां अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो वहां पे लाइन रेडियस परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फीयर, रेडियस स्फीयर पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये सेंटर से लाइन जो आ रही है ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जीरो हो जाएगा, आई जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी जीरो होगा क्योंकि आई और आर इक्वल है, तो इसीलिए वो लाइट उसी रास्ते वापस चली जाएगी, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वो लाइट वापस चली जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ जो रूल है ये भी आसान है कि अगर कोई लाइट पोल पे आती है तो एंगल आई जो बनाएगी एंगल आर इक्वल बनाते हुए वापस चली जाएगी, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आर रे इंसिडेंट ऑब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पॉइंट पी, पोल की पोल पे आती है सीधा ही, ऑन द कनकेव मिरर और ए कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, यानी झुकी हुई टेढ़ी अगर पोल पे आएगी तो वैसे ही झुकी हुई चली जाएगी। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन वाले लॉ को फॉलो करेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे। ये चार हमारे लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, जिसकी हेल्प से आगे हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम सारा जो अभी पीछे पढ़ा है इसके क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 12th, डिफाइन, इसमें हम डिफाइन लिख लेते हैं, किस किस की डेफिनेशन हम इसमें पूछ लेते हैं। पहले, सबसे पहले हम इसमें पूछ लेते हैं पोल, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ प्रिंसिपल फोकस, सिक्स्थ एपरेचर, एक फोकल प्लेन हो रहा है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, अभी समझा दूंगा मैं, सेवन एपरेचर, फोकल प्लेन, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या ना हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, वो तो रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी फोकस, प्रिंसिपल फोकस से जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है। लेकिन जो पैरेलल रेज दूसरी आएंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, वो जहां भी टकराएंगी आपस में उन सब फोकस को ज्वाइन करने वाले सरफेस को फोकल प्लेन कहेंगे हम, उन सब फोकस को ज्वाइन करने वाले सरफेस को फोकल प्लेन कहेंगे, एपरेचर। तो ये हमारा 12th था, 12th के बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे सर फोकस प्लेन लिखवा दो ना, क्वेश्चन 13 अभी लिखवा देंगे बेटा। राइट द अदर नेम ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर विद रीजन, कारण के साथ साथ इनके दूसरे नेम बताओ। तो कनकेव का हो जाएगा आपका कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स का हो जाएगा आपका डाइवर्जिंग मिरर, कारण बता दो।
कन्वर्जिंग कन्वर्ज करता है और डाइवर्जिंग जो है वो डाइवर्ज करता है। अब फोकल प्लेन की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं एक बार। फोकल प्लेन ऑल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन मेक्स डिफरेंट फोकसेस सो द प्लेन ऑन विच ऑल दीज फोकसेस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। पैरेलल बीम ऑफ लाइट अलग अलग फोकस बनाएंगे और एक ऐसा सरफेस जिसपे सारे फोकस प्रेजेंट होंगे उसे फोकल प्लेन कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के जो रूल हैं, जो ये चार रूल हैं, इन्हीं को एक्सप्लेन करने के ऊपर क्वेश्चन, इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन अलग से बनेंगे, लेकिन ये बड़े चारों रूल ढंग से याद कर लोगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 15, व्हाई ए लाइट रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन सेम पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई बीम ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है? तो यही इसका आंसर है। क्यों? नॉर्मल के अक्रॉस आएगी तो इंसिडेंट एंगल जीरो होगा, इंसिडेंट जीरो होगा तो रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, इसलिए वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच आई, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में आर। ये दो चीजें अगर याद रखो आप, और फिर आप देखो कि ये आपका कंकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आती है तो नॉर्मल भी यानी परपेंडिकुलर भी यही है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आएगी तो इस सरफेस पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे इसके साथ आ रही है। तो इंसिडेंट रे अलोंग नॉर्मल, यानी नॉर्मल के साथ साथ है, दोनों एक के ऊपर एक है, देयरफॉर एंगल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। एंड वी नो दैट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, देयरफॉर एंगल आर भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी अगर इस डायग्राम से देखें तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल जीरो, यानी ये दोनों भी सेम लाइन पे ही होंगी, तो नॉर्मल के साथ ही रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो नॉर्मल तो यही है, तो इंसिडेंट रे जिस रास्ते आई उसी रास्ते आपके रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। क्लियर हुआ?